दोस्तों आज के डेट में एक बिटकॉइन बराबर जो है 13 लाख रुपया से ऊपर हो जाता है। ऐसे में आपके दिमाग में भी चलता होगा आखिर ये चीज़ क्या है, मतलब कि बिटकॉइन को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझना चाहते हैं, एकदम लोकल भाषा में कह सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय इन्फॉर्मर। दोस्तों सबसे पहली बात कि बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन जो है एक क्रिप्टो करेंसी है और बिटकॉइन जैसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, रुपया, डॉलर, ये सब क्या है, ये सब करेंसी है, अपने अपने देश का अपना अपना करेंसी होता है। इसी तरह से बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि कह सकते हैं कि वर्चुअल डिजिटल करेंसी है। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अपने देश में या दूसरे देश में जो करेंसी चल रहा है इसका मतलब क्या होता है। देखिए अपने इंडिया की मैं बात करता हूँ तो इंडिया में रुपीज है ना, अपने देश का करेंसी है, और इस रुपीज का कुछ ना कुछ वैल्यूएशन होता है। इसी तरह से अगर यूएस की बात करते हैं तो यूएस डॉलर होता है, तो वहाँ का करेंसी है और उस यूएस डॉलर का वैल्यू है। अगर अभी इंटरनेशनली कुछ भी एक्सचेंज किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट एक्सचेंज किया जाता है, तो वहाँ पे करेंसी का एक्सचेंज भी होगा। अगर सामान का एक्सचेंज होगा, गुड्स का एक्सचेंज होगा, तो वहाँ पे मतलब उस देश का करेंसी का भी एक्सचेंज होगा। अब सपोज डेट कि आपको अगर यूएस से कुछ लेना है तो वहाँ का करेंसी यूएसडी है, मतलब डॉलर है, तो आपको देना पड़ेगा, डॉलर में पे करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास डॉलर नहीं होता है तो कैसे करेंगे। अब यहीं पर होता है कि एक दूसरे करेंसी के बीच जो है वैल्यूएशन भी होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल कि अब एक यूएसडी बराबर अगर 75 रुपया होता है और वहाँ का कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 1 रुपया है, तो आपको 75 रुपया देना पड़ेगा, हो गया ना डिफरेंस। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट के लिए जो है एक इंटरनेशनल ग्लोबल करेंसी लाया गया और वो करेंसी बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट जो है कि इस क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझा जाए कि इसमें खासियत क्या है, है ना, ग्लोबल करेंसी तो है, किसी और चीज़ को भी रखा जा सकता था, किसी और करेंसी को भी रखा जा सकता था, इसमें क्या अंतर है और क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा क्या होता है। देखिए पहली बात, क्रिप्टो करेंसी तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चल रहा है और ये डिसेंट्रलाइज होता है। अब ये दो टर्म यहाँ पर आ गया कि ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज, इसको समझते हैं। सेंट्रलाइज अपने यहाँ का अगर बात करते हैं कि जो सिस्टम है रुपीज का, पैसा का, करेंसी का, वो कंप्लीट सेंट्रलाइज है। कैसे, अपने देश में जो है जो रुपया है वो कंट्रोल होता है आरबीआई के थ्रू, आरबीआई और इसके बाद जो है बहुत सारे बैंक, और बैंक के बाद हम लोग जहाँ से पैसे को लेते हैं, फिर डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, और इसी तरह से सिस्टम चलता है। कुछ भी रेगुलेशन लाना होता है, कुछ भी करना होता है, तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो है आरबीआई के ऊपर होता है और आरबीआई पे अपना सरकार जो है कंट्रोल किए रहता है, इस ढंग से होता है। जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी इसका मालिक नहीं होता है, एक सिस्टम है, ऑटोमेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम है जिसको वेरीफाई भी जो है इसका खुद का सिस्टम करता है। अब बिटकॉइन जैसे और भी दूसरे क्रिप्टो करेंसी है, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि ये डिसेंट्रलाइज होता है। इतना तक तो समझ लिए। अब सवाल ये आता है कि ये बिटकॉइन जो है इतना ज़्यादा वैल्यू कैसे रख रहा है। देखिए किसी भी चीज़ का वैल्यू जो है दो पार्टी के बीच एक्सेप्टेंस से होता है, कि मतलब कि अगर कोई सामान है और उसका मान लीजिए हमने रख दिया कि इतना वैल्यू है, अब जो है अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो उसको लेगा, और मास लेवल पर जब एक्सेप्ट करेगा तो उसका प्राइस वही हो जाता है। अब इसको ऐसे समझिए कि आप अपने एरिया में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, और जनरली अगर मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में कोई सामान रहता है उसका प्राइस जो फिक्स किया जाता है, मान लीजिए किसी ने उसका प्राइस फिक्स कर दिया, अब जब लोग जा रहे हैं उस प्राइस पे उस चीज़ को नहीं खरीद रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मजबूरन उसका प्राइस घटाना पड़ता है। और अगर बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वही प्राइस फिक्स हो जाता है, और फिर चर्चा चलता है कि यार उस सामान का प्राइस जो है ना ये रखा गया है, मतलब ये प्राइस है। इसी तरह से बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन का पहले इतना वैल्यू नहीं था, अब चूंकि हम लोग कंपेयर किस चीज़ से करते हैं, यूएस डॉलर से करते हैं, जनरली पूरा इंटरनेशनल अगर करेंसी की बात किया जाए जहां पे लेन देन होता है तो वो यूएस डॉलर से रखा जाता है, और यही एक पैमाना अभी माना गया है, और ये सभी देश एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए जिस दिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नहीं मानेगा, लेकिन भाई एक्सेप्ट क्यों ना करें, क्योंकि सभी में सुपर पावर जो होता है उसका एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि आप जो है इंडिया में है, आपके पास बिटकॉइन है,
कुछ भी बिटकॉइन है और कोई यूएस में है, कोई सामान लेने गए और वहाँ पे भी बिटकॉइन में ही अगर कोई प्राइस लिखा हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे करना है, जो बिटकॉइन आपके पास है उसी बिटकॉइन से उतना परचेज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये खेला है और इसीलिए लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैटर क्या आ जाता है कि बिटकॉइन जब आपके पास आएगा तो आएगा कैसे, और जब आएगा तो आपको किस फॉर्म में आएगा। तो पहली बात कि आप दो तरह से बिटकॉइन को ले सकते हैं, पहला माइनिंग और दूसरा कि खरीद करके, मतलब ट्रेडिंग करके। अब खरीदना मतलब क्या, आपको हर हाल में डॉलर के बीच में आ जाएगा। तो पहले आप जान लीजिए कि बिटकॉइन और डॉलर के बीच जो रेट होता है उसी आधार पे, मान लीजिए सपोज डैट कि अगर एक बिटकॉइन का कोई वैल्यू है, एक एग्जांपल ले रहे हैं जो कि अभी करंट में जो नहीं बता रहा हूँ, एक बिटकॉइन का वैल्यू $100 रखा गया है। अब $100 तो पे करना है, लेकिन आप जानते हैं कि आपका जो है ₹75, अगर मान लीजिए $1 का है तो आपको 7500 पे करना पड़ेगा एक बिटकॉइन के लिए, क्योंकि $100 बीच में आ गया है। तो इसी तरह से, लेकिन एक बार आपने जो है वो ₹7500 $100 के रूप में पे करके एक बिटकॉइन ले लिए, अब कोई भी फ्लक्चुएशन होता रहे करेंसी का, दूसरे करेंसी का, आपके पास एक बिटकॉइन आ गया है। अब जहाँ पे भी बिटकॉइन टू बिटकॉइन जो है एक्सचेंज होगा, और मतलब कि गुड्स का एक्सचेंज होगा, सामान की खरीदारी होगी, एक तरह से ये पेमेंट करने का सिस्टम हो जाएगा। और इसको पता है कि बड़े बड़े कंपनियाँ भी इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन इंडिया में कुछ मामला दूसरा है, कभी बैन होता है, कभी फिर बैन लिफ्ट हो जाता है, हट जाता है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट्स है जिसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड होइएगा तो बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपको भी मन है बिटकॉइन है या बिटकॉइन जैसे दूसरे क्रिप्टो करेंसी रखने का मन है, अभी मन है कि चलिए आपको लगता है कि नहीं यार अभी जो है इसका सस्ता रेट है, अभी बाय कर लेते हैं और इसके बाद में जो है अगर मान लीजिए बहुत रेट हाई हो गया या तो सेल कर देंगे, अदरवाइज जो है आप अपने पास रखे रहेंगे और आपको मन होगा इंटरनेशनली एक्सचेंज करने का तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब कैसे होता है ये सीखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कंटेंट मुझे पता है बहुत बढ़िया है, आपको पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करके दूसरों को भी नॉलेज बढ़ाइए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।